हमारी इस धरती में कई तरह के सांपों का अस्तित्व है, उनमें से कुछ पानी के अंदर तो कुछ जमीन में रहता है, और तो और कुछ सांप तो आसमान पे उड़ान भी भर सकता है। कुछ सांप बेहद ही जहरीला होता है तो कुछ अपने अजीब चेहरा और हरकतों की वजह से अनोखे सांप कहलाते हैं। आज मैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब सांपों के बारे में ही बात करूंगी। हमारी इस धरती में ऐसे बहुत से जानवर हैं जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अनोखे तरकीबों का इस्तेमाल करता है। हॉगनोज भी एक ऐसा सांप है जो अपने शिकार को चकमा देने के लिए अजीब तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। उत्तर अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले ये सांप खास करके गर्म रेती में छुपा रहता है। इसके शरीर का सबसे अजीब हिस्सा है इसका चपटा सिर। ये सांप इसके सुअर जैसे नाक के कारण ही हॉगनोज स्नेक के नाम से पुकारा जाता है। ये सांप इंसान और बड़े जानवरों के लिए बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, और इसी वजह से खुद को जिंदा रखने के खातिर इसको भी कुछ तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़े जानवर और इंसानों को देखते ही ये कोबरा की तरह अपने पन उठा लेता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है, और अगर इससे भी काम ना बने तो ये गोल गोल घूमने लगता है और फिर उल्टा होकर मरने का ढोंग करता है। इसका यही हरकतों की वजह से इसको बेहद ही अजीब सांप माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप सिर्फ जमीन और पानी में से आकर ही हमला नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसे सांप भी है जो आसमान से उड़कर शिकार ढूंढता है। ऐसा ही एक सांप है क्राई सुपीरियर, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया महादेश में पाए जाते हैं। उड़ने के लिए ये सांप पेड़ पे चढ़कर शाखा के एकदम किनारे तक पहुंचता है, फिर अपने शरीर को जे शेप में मोड़कर एक पेड़ से दूसरी पेड़ की ओर छलांग मारता है। इसी के कारण ही ये उड़ते हुए दिखाई देता है। उड़ते समय इस सांप का शरीर एकदम चपटा हो जाता है और ये हवा को अपनी एयरबोन से खींचता है, जिसके कारण छलांग लगाने के साथ साथ ही ये जमीन पे आकर गिरता नहीं बल्कि आसमान पे बहुत समय तक उड़ता रहता है। जमीन पे चलने के बदले ये सांप आसमान पे उड़कर ही ज्यादा दूरी तय करता है। ये सांप इंसानों के लिए एकदम ही जहरीला नहीं होता। जिंदा रहने के लिए ये मेंढक, छोटे चिड़िया, छिपकली और भी कई तरह की छोटे जीवों का सहारा लेता है। इस सांप का और एक खासियत है कि ये पहले जहर अपने शिकार के ऊपर फेंक के उसे पैरालाइज कर देता है और फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। इन सब खासियत के कारण ही ये स्नेक एकदम ही अनोखे होता है। सीडोसेरास्टिस एक ऐसा सांप है जिसकी खोज हाल ही में 2006 में साइंटिस्टों ने किया था। ये सांप दुनिया के सिर्फ दो ही जगह में पाए जाते हैं, इलाम और कारमनशा प्रदेश पे। बेहद जहरीला ये सांप पत्थर और झाड़ियों में छुपा रहता है। ये भी अपने अनोखे तरकीबों के कारण साइंटिस्टों को हैरान कर दिया। इसके पूंछ पे मकड़ी जैसा दिखने वाले एक चीज होता है। झाड़ियों में छुप के ये सांप अपने पूंछ को बाहर रख देता है और उस पूंछ को मकड़ी समझकर चिड़िया और दूसरे छोटे जीव जब उसे खाने के लिए आते हैं तो ये छत से उसका शिकार कर लेता है। इस सांप के सिर पे दो सिंह होता है, जिसके कारण ये दिखने में बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा लगता है। जो भी हो, शिकार को छासे में लाने का इसका ये तकनीक सचमुच बेहद ही लाजवाब है। इस बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। दोस्तों, अंडा खाना हम में से किसे पसंद नहीं, पर आप जानकर चौंक जाओगे कि इस दुनिया में ऐसा एक सांप है जो सिर्फ अंडा खाकर ही जिंदा रहता है। ये सांप अफ्रीका उपमहादेश का सेनेगल, सूडान और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये सांप घने जंगल और रेगिस्तानी इलाकों में हमेशा ही जमीन और पेड़ पे रेंगते हुए नजर आता है। खतरा महसूस करते ही ये सांप मिट्टी के अंदर और पेड़ के झाड़ियों में छुप जाता है। तकरीबन एक मीटर लंबा इस सांप के शरीर में कोई दांत नहीं है और ये एक अंधा सांप है। इसके जीभ से ही ये अपने आसपास चल रही घटनाओं को महसूस करता है। अंधा होने के कारण ही अंडा खाकर ये जिंदा रहता है, क्योंकि अंडा भागता भी नहीं और लड़ते भी नहीं। ये पेड़ पे रेंगते हुए चिड़ियों के घोंसले में जाकर अंडे को निगल लेते हैं। इसका खोपड़ी की हड्डी और निचला जबड़ा ऐसे बना हुआ है जिससे कि पूरा का पूरा अंडा बिना टूटे इसके शरीर में जा सके। इसका गला बेहद फ्लेक्सिबल होने के कारण ही ये अपने सिर से भी बड़े अंडे को खा लेता है। अंडे शरीर में जाते ही उसमें मौजूद प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है और अंडे के सेल्स को ये मुंह से शरीर के बाहर निकल फेंकता है। टेंटेकल स्नेक। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला ये सांप अपने अजीब चेहरा और सर के ऊपर रहने वाले दो सींग के कारण बाकी सब सांपों से एकदम अलग है। ये सांप मछलियों का शिकार करता है और उसे पूरा निगल लेता है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने रिसर्च के दौरान पता किया है कि ये सांप
बेहद ही अनोखे तरीकों से शिकार करता है। ये मछलियों को अपने पास लाने के लिए लुभाते हैं और फिर पास आते ही उन पर हमला कर देता है, और ऐसा करने के लिए ये बेखूबी से अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है। अपनी पूंछ को हिलाकर ये मछलियों को अपने मुंह की ओर धकेल देता है और फिर उसे अपना शिकार बना लेता है। ये सब चीज इतना जल्दी होता है कि आसानी से कोई भी इंसान इस तरकीब को समझ नहीं सकता, इसीलिए वीडियो को स्लो किया गया है। अब आप खुद ही देख सकते हो इसका कमाल का तकनीक। तो इन सब अजीबोगरीब सांपों में से आपको कौन सा सांप और उसका तकनीक दिलचस्प लगी, वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।